जय जगन्नाथ सारस्वत बार्तार अगणा को आपण मानंकु स्वागत। आज विषय वस्तु नदीबंधर बन्या जलर निष्कासनर अपूर्व दृश्य। प्रकृतर धर्मर संज्ञा कौन? धर्म काहाकु कहंती? सृष्टिर अयमारंभ समय रे जेउ नियम गुड़िक प्रचलन थिला ताहा ही हेउचि धर्म। धर्मर अर्थ हेउचि जहा यथोचित सत्य, ताहाकु केही भी परिवर्तन करि पारिबे नाही ताहा ही धर्म। आम सृष्टि रे पंचभूत को आमे दर्शन करूचु जहा हेउचि माटी, पानी, आकाश, वायु, अग्नि, यही परि भावरे पंचभूत को निये तयारी। ही पंचभूतर सम्मिश्रण रे आमर संपूर्ण पृथ्वी बा संपूर्ण सृष्टि निर्मित होइचि। जे परि भावरे जलर धर्म हेउचि निम्नगामी, ताहाकु जेते रोकिबाकु चेष्टा कले सिए मध्य से तळकु तळकु बहिबाकु चेष्टा करिथाय। जदि ताहाकु संचय करिबा बा बाधा सृष्टि करिबा से धीरे धीरे उत्फुल्लित होइथाय, उत्फुल्लित होइ से तळकु तळकु गति करिथाय। अग्निर धर्म हेउचि सबुबळे ऊर्ध्वगामी हेबा, तेणुकरी अग्नि सबुबळे ऊर्ध्वगामी होइथाय। वायु सर्वत्र विद्यत विद्युत होइथाय बा सबुआडे प्रवाहित होइथाय, एवं आकाश तत्व सबुआडे आलोक विछुरित करिथाय। एहिपरि भावरे पंच तत्वरे आमर धर्म सृष्टि होइथाय। एही धर्म प्रति जो माने बाधा सृष्टि करंती, प्रतिबंधक सृष्टि करंती, सेमानंकर नष्ट ही होइथाय, सबु जिनिस नष्ट होइ जायथाय। जेमिति आम शरीर रे जेतिकी जल तत्व रहिबा कथा सेतिकी जल तत्व रहिले ठीक अछि। अग्नि तत्व जेतिकी माने उत्ताप जेतिकी रहिबा कथा सेतिकी उत्ताप रहिबा भल। अत्यधिक निश्वास प्रश्वास प्रखर बेगरे बहिबा मध्ये आम शरीर पई क्षतिकारक होइथाय। तेणु करी प्रकृति को केबे नष्ट करंतु नहीं, प्रकृतिर पूजा करंतु। प्रकृतिर पूजा करिबा पई ही धर्म रे धर्मशास्त्र मानकरे विभिन्न कथा लेखा जायछि एवं कुहा जायछि। जेमिति अग्नि हवन करिबा द्वारा, अग्नि रे घृत ढालिबा द्वारा कौन हुए ना से घृत द्वारा वायुमंडल परिष्कार होइथाय, एवं सुगंधित द्रव्य द्वारा जदि धुआं करा जाय माने सुगंधित द्रव्य माने धूप धूप दिगले कौन हुए ना वायुमंडल शुद्ध होइथाय। वायुमंडल शुद्ध होबा सहित मन रे उत्फुल्लित भाव आसीथाय। कुहा जाय नदी पोखरी रे स्नान करिबा समय रे विभिन्न नियम मान पालन करिबा पई कुहा जायछि। जेमिति पानी को अपरिष्कार करिबे नाही, पानी को शुद्ध करिकि रखिबे, से ताकु एमिति गोलिया करिबेनि जेमिति अन्य कोनोसी लोक गाधै पारिबे नाही। किंबा एमिति जे बहुत जिनिस लेखा आछि धर्म रे बहुत कथा लेखा जायछि। जेमिति धर्म रे कुहा जायछि कि धर्मशास्त्र मानक रे कुहा जायछि स्नान करिबे प्रातः काल रे तबे आपनको शरीर पै सुस्त होइथाय। कारण जेतेबेले जल रे आमे गाधाई थौ, केतेबेले गाधौ ना दिन बेला गाधौ, दिन बेला गाधेबा समय रे कोन हुए ना जेतिक अपरिष्कार आमे करिथाउ गोटिए समय आसे जोटा कि राति समय रे से जल स्थिर होइ जाय। स्थिर होइ जेबा समय रे प्रत्येक प्रकृति रे निजे निजे शुद्ध हेबा पै गोटे विधि थाए, माने निजे निजे से परिष्कार होइ जाय। तेणु करी जदि प्रातः समय रे गाधेइबे सेतेबेले जल परिष्कार थाए, एवं स्नान कले आम शरीर सुस्थ रही थाए, एवं से जल आम शरीर रे पड़ी लागिबा द्वारा आम शरीर सुस्थ रही थाए। जदि आमे मध्यान समय रे गाधेबा सबु लोक गाधेइ सारी थिबे ताहा परे से जो आवर्जना युक्त पानी को गाधेबा द्वारा आम शरीर क्षति होई थाए। तेणु करी कुहा जाए जदि शुद्ध जल रे गाधांती ताले अत्यंत शुभ होई थाए। सेथि पई त विधि रही छि जे आपण सकाळ समय रे गाधेबा उचित होई थाए। एवं आउ गोटिए कथा कुहा जाय छि खोला जल रे माने खोला आकाश तले सूर्यंकर किरण पडुथिव सेय जल रे गाधेबा द्वारा कोन होइथाय ना जीवाणु मुक्त जल पाइथांतु। एवं आमे देखुचे आजिकालि बहुत प्रकार चर्म रोग बाहरुचे कारण भूतल जल रे आमे स्नान करुचे। भूतल जल रे सूर्यालोक पडु नाही, सूर्यालोक पडु नथिबा जल रे स्नान करबा द्वारा आम शरीर पई क्षतिकारक होइथाय। तेणु करी जदि बे आपण भूतल जल रे गाधौचंती तेबे निश्चिंत सूर्य किरण पकाई तार गाधाइले ता अत्यंत शुभ होइथाय। कुहा जाय आमे जो पूजा पई बे पानी व्यवहार करिथाउ से पानी जदि सूर्य किरण न पडिथाय ताहाले से पूजा योग्य हुए नाही बोली धर्म शास्त्र रे लेखा जायछि। तेणु करी जेतेबेले आमे पूजा पई जल आनिथाउ आमे नदी पोखरीर जल आनिबा उचित होइथाय, नहेले आमे कुओर जल व्यवहार कले अत्यंत शुभ होइथाय। तेणु करी ठाकुर पूजा बेले कुओर जल व्यवहार करंतु। आजिकाली
विभिन्न जगार कूँ मान पोती दि जाऊँगी कूँ मान नष्ट कर दि जाऊँगी ताक नष्ट करूँ ना जलाशय गुड़ी केवे नष्ट उचित हो न था तेणुक जलाशय को जो मैंने अलिया आवर्जना पक नष्ट से प्रति वरुण राज द्वितीय कुबेर तेणुक द्वितीय कुबेर आशीर्वाद मिल न था तेणुक कौन सी कू पोखर पोती देवा केवे भल हो न था तेणुक कू पोखर को पोती दिंतु ना कारण जहाँ आम पूर्वपुरुष मैंने से आशीर्वाद से अच्छी तेणुक कू पोखर को पोती आम के शांति रही पारा ना वरुण आशीर्वाद आम उपर रही न था गंगा नदी गंगा माता आम प्रत्येक जल को गंगा बोली कही था तेणुक गंगा माता आशीर्वाद न था आम जातक चक्र रे जो चंद्र महाग्रह था चंद्र महाग्रह धीरे धीरे असुस्थ को आसती एवं ताहंकर कुप्रभाव पड़ता है चंद्रमा ग्रह जदि खराब रुहति तेरे आम मानसिक स्थिति ठीक रुहेनि तेणुक निश्चिंत भाव में के जलाशय को नष्ट करूँ ना जदि भिडटी भल लगी निश्चिंत लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सेयार करेंगे निश्चिंत कमेंट दुईपद कथ लिखे चैनल मध्यम आपण कौन शुणापी चाहती कौन जानवापी चाहती निश्चिंत भाव में उल्लेख करूँ मुश्चिंत भिडियो कर उपस्थापना करी रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।